हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है पर्ल। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और पर्ल मूवी एक मूवी का प्रीक्वल है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। कोई लड़की जब अपनी लाइफ में अकेली पड़ जाए, अपने ड्रीम्स को ये सब कुछ मानने लगे तो क्या होगा? क्या वो अपनी फैमिली के लिए अपने ड्रीम्स को छोड़ देगी या फिर वो किसी भी कीमत पर अपने सपनों को पूरा करेगी? ये हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉरलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कहानी शुरू होती है सन 1918 से। उस समय वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी। हम अमेरिका के टेक्सास में पर्ल को देखते हैं और पर्ल का हस्बैंड एक आर्मी मैन था, जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में देखा हुआ है। और पर्ल का हस्बैंड वॉर पर गया हुआ था। घर पर सिर्फ पर्ल, उसकी माँ रूथ और उसके फादर मैथ्यू रहा करते थे। रूथ बहुत ही स्ट्रिक्ट मदर थी और अपनी माँ की बात मानकर पर्ल घर पर ही रहकर अपने फार्म की देखभाल किया करती थी। हम देखते हैं कि कभी कभी वो फार्म के कुछ एनिमल्स को मारकर पास ही के एक लेक के क्रोकोडाइल को खिलाती थी। पर्ल के फादर मैथ्यू एक पैरलाइज पेशेंट थे जो कुछ भी खुद से नहीं कर पाते थे और हर टाइम पर्ल और उसकी माँ मैथ्यू का ख्याल रखती थी। कभी कभी पर्ल बहुत अजीब बिहेव करती थी, जैसे कि वो मेंटल डिस्टर्ब हो और अपने फादर को फोर्स करके वो खाने भी खिलाती है। और तो और वो उनके सामने नेकेड होकर नहाया भी करती है और फार्म के एनिमल को बड़ी ब्रूटल तरीके से वो मार देती है और फिर उन्हें वो क्रोकोडाइल को खिला देती है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर फैशन करना, डांसिंग करना, मूवीज देखना खराब माना जाता था। पर्ल को मूवीज और डांसिंग काफी पसंद थी और पर्ल एक डांसर भी बनना चाहती थी। फिर एक दिन पर्ल मैथ्यू की मेडिसिन लाने के लिए मार्केट में जाती है। पर्ल घर से ज्यादातर बाहर नहीं निकला करती थी और उस दिन मौके का फायदा उठाकर पर्ल एक मूवी भी देखती है। उस टाउन में पर्ल की मुलाकात प्रोजेक्शनिस्ट डेविड से होती है और डेविड को पर्ल बहुत पसंद आती है। डेविड उसको बिना पैसे के ही उसके साथ में अकेले मूवी देखने के लिए इनवाइट कर लेता है। लेकिन अगर पर्ल को अपने घर वापस जाने में देर होती तो रूथ पर्ल पर गुस्सा हो जाती, तो इसीलिए पर्ल डेविड को उस दिन के लिए मना कर देती है और बाद में फिल्म को देखने की बात करती है। डेविड पर्ल को एक डांसिंग गर्ल का एक नेगेटिव देता है, लेकिन पर्ल जब साइकिल से अपने घर जा रही थी तो नेगेटिव उससे उड़ जाता है। उस नेगेटिव को ढूंढते ढूंढते पर्ल कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाती है और पर्ल को नेगेटिव तो नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर उसे एक स्केयरक्रो दिखाई दे देता है। पर्ल फिर उस स्केयरक्रो के साथ में डांस करती है और उसके साथ में वो इंटीमेट होने का ड्रामा भी करती है और वो उस स्केयरक्रो पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालकर घर चली आती है। घर वापस आने के बाद में पर्ल मैथ्यू के सामने नहाती है और उसकी स्किन में पिंच करके उसको तकलीफ भी देती है। पर्ल का पिता मैथ्यू पैरलाइज था तो वैसे ही पर्ल को कुछ नहीं कह सकता था। फिर अगले दिन पर्ल के घर पर उसके हस्बैंड की सिस्टर एमा आती है। एमा बहुत ही अमीर लड़की थी और बहुत ही आज़ादी से अपनी लाइफ को जिया करती थी। एमा से पर्ल को पता चलता है कि उनकी सिटी में एक डांस का ऑडिशन होने वाला है और सिर्फ एक ही लड़की उसमें सिलेक्ट होगी और जो भी लड़की उसमें सिलेक्ट होगी उसको 7 कंट्रीज में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। इसे सुनकर पर्ल बहुत खुश होती है और ऑडिशन में जाने का मन बना लेती है। उस रात पर्ल चोरी छुपकर घर से निकलती है और डेविड के पास जाती है। पर्ल डेविड को ऑडिशन के बारे में बताती है और डेविड उस समय उसको एक अडल्ट फिल्म दिखाता है, जबकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अडल्ट फिल्म को देखना इलीगल था, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपके अडल्ट फिल्म देखा करते थे। हम देखते हैं कि अगले दिन पर्ल अपने पिता मैथ्यू को लेक के पास में लेकर जाती है और पर्ल मैथ्यू से उसको लेक में क्रोकोडाइल के पास में फेंकने की बात कहती है। मैथ्यू कुछ बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हम डर को साफ देख पाते हैं। लेकिन मैथ्यू को नुकसान पहुंचाने से पहले ही रूथ वहां पर आ जाती है और मैथ्यू को अपने घर पर लेकर जाती है। फिर डिनर के टाइम पर पर्ल रूथ को डांस ऑडिशन के बारे में बताती है और रूथ को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो पर्ल को मना करती है कि वो डांस ऑडिशन में नहीं जाए। दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होता है और लड़ाई के दौरान फायरप्लेस से रूथ के कपड़ों में आग लग जाती है। आग को बुझाने के लिए पर्ल गर्म पानी रूथ के ऊपर डाल देती है, लेकिन रूथ बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और पर्ल रूथ को बेसमेंट पे ले जाकर बांध देती है। उसके बाद में पर्ल डेविड के पास में जाती है और उसके साथ में इंटीमेट होती है। फिर रात को पर्ल को एक सपना आता है कि वो डांसिंग स्टार बन चुकी है और मैथ्यू और रूथ उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आए थे, जहाँ पर रूथ का फेस जला हुआ था। पर्ल सपने से डरकर उठ जाती है और डेविड पर्ल को अपनी गाड़ी में घर छोड़ देता है। पर्ल डेविड को अपने रूम में लेकर जाती है और वहाँ भी दोनों रोमांटिक हो रहे थे। फिर उसी टाइम बेसमेंट से आवाज आती है, तो इसीलिए डेविड पर्ल के रूम से बाहर जाता है ये देखने के लिए कि बेसमेंट में क्या हो रहा है। डेविड घर की कुछ चीज़ों को बिखरा हुआ देखता है और बेसमेंट की आवाज़ों के बारे में जब वो पर्ल से पूछता है तो पर्ल डेविड से झूठ बोल देती है कि उसके डॉग को वहाँ पर बांध कर रखा गया है। पर्ल डेविड को अपने फार्म में लेकर आती है और उसको एनिमल दिखाने लगती है। वहाँ पर पर्ल के मुंह से गलती से निकल जाता है कि उसके पास में कोई भी डॉग नहीं है और डेविड को पर्ल का बिहेवियर अब थोड़ा अजीब लगने लगा था।
तो इसीलिए वो वहां से जाने का बहाना बना लेती है। पर्ल को लगता है कि डेविड को उसके ऊपर शक हो गया है और अगर डेविड बाहर गया तो रूथ के मर्डर के इल्जाम में पुलिस उसको पकड़ सकती थी। तो इसीलिए डेविड जब जा रहा था तो पर्ल उस पर अटैक करके उसको जान से मार डालती है। फिर वो उसकी डेड बॉडी को लेक में ले जाकर फेंक देती है ताकि वो क्रोकोडाइल उसे खा सके। और इस क्रोकोडाइल को हम इस मूवी के पहले पार्ट में भी देख सकते हैं। उसके बाद में पर्ल अपने फादर को नहलाकर फिर उनका गला घोटकर उन्हें भी जान से मार डालती है। अब पर्ल अच्छे से रेडी होती है और फिर वो ऑडिशन देने के लिए जाती है। ऑडिशन में पर्ल ऐसा इमेजिन करके जजेस के सामने डांस करती है जैसे कि वो बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर के बीच में डांस कर रही हो। लेकिन जजेस को पर्ल का डांस पसंद नहीं आता है और वो पर्ल को रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि पर्ल बहुत दुखी होती है और उसका डांसर बनने का और दुनिया घूमने का सपना वहीं पर टूटकर चूर चूर हो जाता है। वहां पर एमा ने भी ऑडिशन दिया था और पर्ल को रोता हुआ देखकर एमा पर्ल को घर पर लेकर जाती है और वो उसको कंफर्ट करती है। यहाँ पर पर्ल एमा को बता देती है कि उसने अपने पेरेंट्स और डेविड को मार डाला है। और अब तक एमा को समझ आ गया था कि पर्ल मेंटली डिस्टर्ब है और बहुत ही खतरनाक है, तो इसीलिए एमा उसका सामने नॉर्मल रहने का बिहेव करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्ल को पता चल चुका था कि एमा ऑडिशन में सिलेक्ट हो चुकी है और पर्ल एमा से बहुत ही जेलस हो चुकी थी। एमा के पास में वो सब कुछ था जो भी पर्ल को चाहिए था। एमा घर से निकल जाती है लेकिन पर्ल एमा का पीछा करके उसको एक कुल्हाड़ी से काटकर उसे जान से मार डालती है। अब पर्ल अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को साफ करके उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर उनको डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है और वहां पर पर्ल डिनर करती है। पर्ल ऐसा बिहेव करती है जैसे कि उसके पेरेंट अभी भी जिंदा हो। सीन कट होता है और कुछ दिनों के बाद में पर्ल का हस्बैंड हॉवर्ड 4 साल के बाद वॉर से वापस अपने घर आता है। लेकिन घर आकर हॉवर्ड शॉक्ड था क्योंकि रूथ और मैथ्यू की डेड बॉडी घर में बैठाकर रखी गई थी। और पर्ल यहाँ पर अजीब से स्माइल के साथ में हॉवर्ड का वेलकम करती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, ये मूवी 2022 में आई एक्स मूवी का प्रीक्वल है और यहाँ पर पर्ल की पास्ट लाइफ को दिखाया गया है कि कैसे पर्ल का कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाया। अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में पर्ल ने अपनी फैमिली को भी मार डाला क्योंकि अपनी फैमिली की वजह से पर्ल घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो इसीलिए उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। ऊपर से पर्ल का हस्बैंड हॉवर्ड अपनी लाइफ में ज़्यादातर टाइम वॉर में ही रहा करता था, जिसकी वजह से पर्ल के सेक्सुअल डिजायर भी पूरी नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए पर्ल किसी भी चीज़ के साथ या फिर किसी के भी साथ में इंटीमेट होती थी। अपनी पास्ट लाइफ के इंसिडेंट के कारण एक्स मूवी में पर्ल एक भयानक कातिल बन गई थी और अपने सेक्सुअल डिजायर के लिए सभी को जान से मार रही थी। इस मूवी में सब कुछ एक्स मूवी से रिलेटेड रखा गया है। पर्ल का घर, उसका फार्म, क्रोकोडाइल का लेक और सब कुछ एक्स मूवी में भी दिखाया गया है, जहाँ पर पर्ल ने कई सारे लोगों को मार दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मूवी का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना क्योंकि मैं जल्द ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।